ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है वशीकरण गुरु जी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा और वशीकरण का प्रयोग बताऊंगा जो कि बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही अद्भुत है। इस प्रयोग के माध्यम से आप अपने खोए हुए प्यार को वापस पा सकते हैं, आपके रिश्ते में कोई खटास है उसे दूर कर सकते हैं। टोटको या इन उपायों को करके निश्चित तौर पर आपको ना तो किसी बाबा या किसी वशीकरण गुरु की जरूरत है होगी। तो आज एक ऐसा वशीकरण का महाशक्तिशाली टोटका लेकर आया हूँ मैं, जिससे आप निश्चित तौर पे जिस व्यक्ति को आप वशीभूत करना चाहते हैं उसे बहुत ही आसानी से निवश में करके अपनी इच्छा अनुसार ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, अमावस्या या फिर पूर्णिमा इन दोनों दिनों में से ही किसी एक दिन आपको इस विधि को करना है, और या विशिष्ट दिन होली या दीपावली, अमावस्या या पूर्णिमा या ग्रहण काल में, इन सब समय में हम किसी भी विशेष प्रकार के मंत्र टोटके उपाय करते हैं तो लाख गुना प्रभावशाली रिजल्ट मिलता है, जो होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो दोस्तों, आपको इसी समय का प्रयोग करना है। याद रखिएगा, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन इस टोटके को करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको आम का पेड़ होता है उसका जड़ लेना है, छोटा सा जड़ काट लीजिए, उसे लेकर आपको आना है। उसे आपको घर लेकर उसे घिसना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप उसे घिसें, फिर आप उसका तिलक लगा लीजिए। यकीनन जिस व्यक्ति के पास आप जाएंगे जिसे आप वश में करना चाहते हैं, वह व्यक्ति निश्चित तौर पर आपके वश में होगा, आपके वशीभूत होगा। अति प्रचंड और शक्तिशाली वशीकरण है। इसे आप निश्चित तौर पर करने के बाद खुद बोलेंगे वह व्यक्ति आपके अनुकूल कैसे हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस टोटके को करिए और इसे आप किसी भी समय कर सकते हैं। जिस समय मैंने आपको बताया, पूर्णिमा या अमावस्या, दोनों में से किसी भी दिन करना है। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिन्हें वाक्य में इस वीडियो की जरूरत है। आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता की।